चीन से निकलकर दुनिया के 77 देशों में फैलने वाला कोरोना वायरस अब भारत में भी पैर पसारने लगा है। बिहार में अब तक 49 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि जांच के लिए रजिस्टर्ड मरीजों की संख्या 121 है और 14 दिनों की निगरानी में कुल 43 मरीजों को रखा गया है। वहीं 568 स्थानों पर आईसी सामग्री को प्रदर्शित भी किया जा रहा है। अब तक भले ही राज्य में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए अस्पतालों से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अब ग्राम पंचायतों तक जागरूकता अभियान चलाने के लिए साथ ही साथ मेडिकल कैंपों का गठन भी करने जा रही है, ताकि बिहार इस बीमारी की चपेट में नहीं आ सके। वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर इंडो नेपाल सीमा पर सावधानी बरती जा रही है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के दोनों नेपाल बॉर्डर्स पर मेडिकल टीम गठित कर दी गई है, जहां डॉक्टरों की टीम सभी आने जाने वाले लोगों की जांच भी कर रही है और सुरक्षा के लिहाज से मास्क और हाथ में ग्लव्स पहनने का सुझाव दे रही है। साथ ही इस वायरस के लक्षणों से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क।